चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप का, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। कल के लेक्चर में आपको होम असाइनमेंट दी थी, आज उस होम असाइनमेंट की डिस्कशन है, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में, जो कि हमारी बुक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन के एंड पे है। कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न फॉर्म में इनको अटैम्प्ट किया है? रिटर्न फॉर्म में अटैम्प्ट किया, शाबाश। और वाले फारग है रिटर्न, हाँ जी, जो क्वेश्चन उठाता है उसी को फल मिलता है मैंने। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें फिर, अगर इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस बट नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये टर्म मैंने आपको समझा दी, प्राइमा फेशिया एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच रिसीव्ड बाय पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। क्या कह रहा है, क्या समझा, कि एक पर्सन को प्रॉफिट का शेयर रिसीव हो रहा है उसके बावजूद वो पार्टनर नहीं बनता। सिचुएशन बताइए, सिचुएशन यार सिक्स सिचुएशन, शाबाश। कौन कौन सी सिचुएशन? लेंडर ऑफ मनी, एजेंट या एम्प्लॉय को, रिटायर्ड पार्टनर, शाबाश, विडो, ओके ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट, शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब नतीजा, दैट द पार्टीज हैव फॉर्मड ए पार्टनरशिप। कह रहा है अगर कोई नेट प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है ना, तो उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिलता है कि एक बंदा पार्टनर है। बट इन सर्टेन सिचुएशंस द फैक्ट दैट द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, अच्छा एक चीज यहां पे रुके सुन लें, नॉर्मल केसेस में अगर हमें कोई बताए कि शेयरिंग को प्रॉफिट हो रही है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो, लेकिन अगर आगे चल के वो एक्सेप्शनल सिचुएशन बता देना कि प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन इस वजह से क्योंकि लोन दिया हुआ है, तो फिर हम कहेंगे वो पार्टनर नहीं रहा। यानी अगर नॉर्मल सिचुएशन में वो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, तो आपने नॉर्मल सिचुएशन ही एज्यूम करनी है कि वो पार्टनर है, एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं डिस्कस करनी। यानी अगर वो आपसे केस में कहता है ए और बी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, बताइए पार्टनरशिप है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिनमें पार्टनरशिप वो प्रॉफिट शेयर हो रहा था लेकिन पार्टनर नहीं होते, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो पार्टनर है कि नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशन भी होती है और उसने हमें एक्सेप्शनल सिचुएशन के बारे में नहीं बताया। ऐसे नहीं सोचना, बल्कि कैसे सोचना है कि उसने हमें एक्सेप्शनल सिचुएशन बताई नहीं, इसका मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी भी नहीं। मतलब जब वो साइलेंट रहे तो हम क्या अज्यूम करते हैं, नॉर्मल सिचुएशन या एक्सेप्शनल, नॉर्मल, शाबाश। बट इन, लेकिन आगे अब देखिए आगे कहानी आगे लेके जा रहा है, कहता है बट इन सर्टेन सिचुएशन द फैक्ट दैट द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड आर द पार्टीज हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स विल नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट ए प्रिजम्पशन दैट ए पार्टनरशिप वाज इंटेंडेड। समझ आ रही क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है प्रॉफिट शेयर करने से स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हमारा ड्रॉ होता है कि पार्टनरशिप है, लेकिन कुछ केसेस में प्रॉफिट शेयर हो रहा हो पार्टीज के दरमियान में तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। लिस्ट सच सिचुएशन एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यही सिक्स पॉइंट रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब इसका फेवरेट लगता है सिचुएशन। चलिए अच्छा किया हमने छह सिचुएशन याद कर लिया, अब की बार भी इसे क्वेश्चन पूछेगा छाप देंगे हम। चलिए आगे चलते हैं, ये भी वही है, नहीं नहीं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट एनी फोर सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ए नॉन पार्टनर कुड बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप। अल्फाज मुख्तलिफ, कंसेप्ट वही, ठीक है कंसेप्ट वही, तो ये भी वही छाप देंगे हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बहुत ही फेवरेट लगता है उसका ये कंसेप्ट। ए आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name solar trade. Started business together under the name solar traders. Firm का ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? Partnership है. पहुंच गए? आगे. They decided to share profits. एक भी profit sharing आ गया, पता चल गया, confirm हो गया हमें. अब आगे चल के कोई exception ना डाल दे. वरना इतनी information से पता चल गया हमें कि partnership है. खास तौर पे sharing of profits है. एंड बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप, बाकी के पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर तो नहीं कहते। ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर ट्रेडर्स आफ्ताब ऑर्डर 100 लाइट बल्ब ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर ए होलसेलर ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्ट कह रहे अंडर पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन दिस एग्जांपल। ए आफ्ताब, बादल एंड चांद, ये कौन है? पार्टनर्स। आगे कोई और नाम है? सोलर ट्रेडर्स, ये कौन है? फर्म। तनवीर कौन है? थर्ड पार्टी, ठीक है। और क्या ये एक्ट जो किया है एक्ट ऑफ फर्म है? कैसे पता चला एक्ट ऑफ फर्म पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है? कैसे पता? क्योंकि वो उसी चीज का ऑर्डर, एक
हाँ पर्पस, देखिए जो पर्पस है वही चीजें मंगवा रहा है, जो पार्टनरशिप का पर्पस है और ऑन बिहाफ भी लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ है। हाँ मैं यहां से समझ रहा था कि यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, नहीं ऑन बिहाफ ऑफ से भी पता चल गया, इससे तो बल्कि कंफर्म हो गया कि ये एक्ट ऑफ फर्म है। वरना अगर ये बात ना भी लिखी होती ना, फिर भी याद रखे नेचर ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस से कंफर्म हो जाता है कि वो उसके घर का नहीं बल्कि घर में थोड़ी सोप्रम लगवाएगा, वो बिजनेस के लिए करवा रहा है। ये पार्टीज की क्लियर हो गई क्वेश्चन। इन एन एमबीए क्लास 28 क्लास फेलोज डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एडवाइजर। क्या नो सवाल तो आया नहीं अभी। कैन दे फॉर्म ए पार्टनरशिप गिव रीजन, नहीं क्यों नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी तो थी। तो ये एमबीए प्रोफेशनल नहीं है, नहीं प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशनल है। और बैंकर से याद है बैंक के केस में मैक्सिमम नंबर, तो इस कंक्लूजन में पहुंच गया कि जी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। सजेस्ट अ सूटेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्म ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। सिक्स, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर द लॉ। यस सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर द लॉ, एक्सेप्शन है मौजूद। अली बिलाल एंड चांद आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दाऊद एंड आउटसाइडर डील्स विद द फर्म थ्रू अली। थ्रू अली का मतलब क्या? हाँ दाऊद के साथ अली डीलिंग करना, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है वो अली करता। कैन दाऊद सू बिलाल एंड आर चांद, भाई कैसे सू कर सकते? दाऊद ने एग्रीमेंट अली के साथ किया है पार्टनरशिप। हाँ जी बिल्कुल, तो पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरों का एजेंट होता है, तो इसीलिए अली जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो अली तो लायबल है, उसके साथ साथ बिलाल एंड चांद भी लायबल। इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर अगर एक्ट ऑफ फर्म करे, कोई भी एक पार्टनर, तो वो सारी फर्म के लिए लायबल होता है। ये ध्यान में रखिए, ये वो जॉइंट प्रॉमिसर वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि वो किसी के खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है। अगर यही केस बैंक वाली एग्जाम्पल होती है, वो कहता है कि बैंक ने अली का लोन दिया है, क्या बिलाल या चांद से रिकवर करवा? हमारा सेम आंसर होता है यस करवा सकता है। बी कैन बिलाल एंड आर चांद सू दाऊद, बिल्कुल, यानी दाऊद दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ भी केस कर सकता है और दूसरे पार्टनर्स दाऊद के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, वाइस वर्सा वाला केस है। सेवन में कोई प्रॉब्लम? ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग बिजनेसेस आर पार्टनरशिप आर नॉट। अच्छा इसमें ध्यान में रखिएगा, हमने सबसे बड़ा जो डिसीजन करना है वो शेयरिंग और प्रॉफिट के ऊपर करना है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो पार्टनर्स होंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रही तो वो पार्टनर नहीं होंगे। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है और क्वेश्चन में बता दिया कि एक्सेप्शन सिचुएशन है, फिर क्या करेंगे हम? फिर कहेंगे पार्टनर नहीं है। ए शुरू की सिचुएशन कुछ सिंपल है, एंड में जाके वो उसमें कहानी में ट्विस्ट ऐड करता है। ए अजहर एंड बाबर स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, पार्टनरशिप हो, लेकिन आगे पढ़ लूंगा आगे की एक्सेप्शन सिचुएशन आ रही हो। दे मेड ए फॉर्मल एग्रीमेंट टाइटल पार्टनरशिप डीड एंड इंक्लूडेड ऑल पॉसिबल लीगल क्लॉजेस टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड कंफ्यूजन अमंग देम इन फ्यूचर, सिंपल पार्टनरशिप डीड। बी ऑल्दो देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन देम बट अरसलान रेगुलरली बाइज ओल्ड फर्नीचर एंड रिपेयर्स इट एंड देन हिज कजन फैसल सेल्स द फर्नीचर एंड दे बोथ शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। ये इसको ट्रायल करें, बोथ शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, पार्टनर है कि नहीं? पार्टनर है कि नहीं? एग्रीमेंट नहीं हुआ, है एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसने कहा है एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयड तो कर रहे हैं ना। एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, एक्सप्रेस वाला रिटन में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। वो एम्प्लॉयड वाला वो आपको एग्जाम्पल नहीं था बताई थी कि पार्टनर्स ने रेशो पहले डिसाइड की रिटर्न, एक्सप्रेस एग्रीमेंट में कुछ और रेशो थी, बाद में तीन चार साल तक डिस्ट्रीब्यूशन किसी और रेशो के मुताबिक होती रही, तो कोर्ट ने क्या कहा कौन सी रेशो चलेगी अब ओरिजिनल के जिससे डिस्ट्रीब्यूशन चलेगी, क्योंकि उस रिवाइज प्रॉफिट का एक्सेप्ट कर लेना इसका मतलब है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है पार्टनर्स की तरफ से। तो बिल्कुल ये बी भी पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। हाँ लिखित पढ़त में नहीं है कोई मसला, होता तो बहुत बेहतर था लॉ कहता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओरल हो ही नहीं सकते या इंप्लाइड हो ही नहीं सकते, इंप्लाइड एग्रीमेंट भी हो सकते। सी असलान एंड नुमान आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस, अच्छा ना अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अगर देखिए को ओनर्स ने मिलके रेंट पे दिया घर और रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो को ओनर्स हैं पार्टनर नहीं है, लेकिन अगर को ओनर्स के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके ऑफिस बनाते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं और रेवेन्यू में से एक्सपेंसिस माइनस करके प्रॉफिट शेयर करते हैं, फिर को ओनर्स भी हैं पार्टनर्स भी हैं,
तो सिर्फ ये ना समझे कि ओनर होंगे तो पार्टनर नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पार्टनर नहीं होंगे, लेकिन आगे फैक्ट्स डिसाइड करेंगे कि वो रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कौन है। एंड लेट इट आउट टू ए पेइंग गेस्ट, दे डिवाइड द रेंट बिटवीन देम, रेंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, इससे पता चला हमें पार्टनरशिप नहीं है। अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या कहते हैं, पार्टनर। आगे चले, दी गफार एंड जब्बार परचेज्ड ए शॉप, इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस टू रेनोवेट इट, कंट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 50-50, एंड देन लीज्ड आउट द शॉप ऑन रेंट विच वाज शेयर्ड इक्वली बाय देम, इज दिस ए पार्टनरशिप। शुरू से लग रहा था कि पार्टनरशिप बन रही है, लेकिन एंड में उसने कहा भाई रेंट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। हम कहा भाई रेंट पहले बता देते हैं, उधर ही बता देते तुम्हें कि ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? डेफिनेशन में लिखा है एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ई अहमद एंड रिजवान आर जॉइंट ओनर्स ऑफ ए शिप, अहमद वर्क्स ऑन द शिप, टेक्स द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ इट एंड मीट्स ऑल द एक्सपेंसेस, ही टेक्स 2/3 ऑफ द ग्रॉस अर्निंग एंड पेज ओवर द बैलेंस टू रिजवान हु डज नथिंग। इसमें दो इश्यूज हैं, एक ग्रॉस अर्निंग शेयर हो रही है और एक रिजवान पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। डिसीजन हमारा क्या हो? हाँ, उसकी है बिल्कुल, क्योंकि हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है हर पार्टनर पार्टिसिपेट करे, कुछ पार्टनर्स हो सकता है कि पार्टिसिपेशन ना करे। तो याद रखिए ये है पार्टनरशिप है क्या, क्यों पार्टनरशिप नहीं है? ग्रॉस अर्निंग शेयर करे, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। क्या सिर्फ मैं इतना ग्रॉस अर्निंग वाला पॉइंट लिख के आगे चलूं कि मुझे ये पॉइंट भी लिखना चाहिए कि रिजवान डज नथिंग? हालांकि इससे हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में इसका जिक्र होना चाहिए कि नहीं सॉल्यूशन में? अच्छा, अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी, अकाउंटिंग में समटाइम ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट होती है। अब वो अरसा दराज हो गया, मुझे 15 साल हो गए पढ़े हुए अकाउंटिंग, तो मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह की, लेकिन मुझे इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे फाइनल अकाउंट्स के, खासतौर पर उनमें हमने कोई एडजस्टमेंट ऐसी होती थी उसे लिखा होता था, उसका क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता था, इग्नोर कर उसको, इग्नोर नहीं करते थे। अब सुने हमारे टीचर क्या हमें बताते थे, हमारे टीचर ये बताते थे कि अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि आपको इसका सही ट्रीटमेंट आता है कि नहीं आता। हम इग्नोर नहीं करते, बल्कि नीचे लिखते थे कि दिस इन्फॉर्मेशन हैज नो इफेक्ट ऑन क्वेश्चन, ताकि उसे पता चले हमने इसको पढ़ा है, इसका सही ट्रीटमेंट हमें आता है और कोई इंपैक्ट नहीं हमने तुम्हें बताया। ये लिख इग्नोर नहीं करना होता था, इग्नोर का मतलब है बिल्कुल ही ना लिखे, ठीक है? इससे वो समझता है कि शायद हमने उसको स्किप कर दिया, पढ़ा ही नहीं। तो मुझे बताइए इसका हालांकि इंपैक्ट कोई नहीं है, लिखना इग्नोर कर देना चाहिए कि लिखना चाहिए नो इंपैक्ट? लिखना चाहिए नो इंपैक्ट। तो लिखेंगे पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना लाजमी नहीं है, ठीक है? लेकिन इसकी क्वेश्चन में रेलिवेंस नहीं। एफ अमजद इंप्लाइड फॉर ए लोन फ्रॉम एबीसी बैंक फॉर हिज बिजनेस, इट वाज डिसाइडेड दैट बैंक विल गेट 20% ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन लियो ऑफ इंटरेस्ट। तो 20% ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर हो गया ना, पार्टनर हो गया ना, क्यों पार्टनर क्यों नहीं हुआ बैंक? हाँ, ये लैंडर वाला केस है, एक्सेप्शन वाला केस आ गया, इसमें पार्टनर नहीं होगा, एक्सेप्शन वाला केस आ गया ना ये, हालांकि प्रॉफिट शेयर कर रहा है। जब प्रॉफिट शेयर कर रहा है हम कहते हैं आंखें बंद करके पार्टनर है, लेकिन एक्सेप्शन केस आ जाए तो हम कहते हैं पार्टनर नहीं है। आगे चले जी, मैंने चलना, अच्छा चले ठहरे, ये पॉज कीजिएगा जी। सलीम द लाइसेंस प्रोप्राइटर ऑफ ए थिएटर लेट्स द यूज ऑफ इट टू जमील फॉर ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट्स, थिएटर ड्रामा वगैरह के लिए सलीम को दे दिया और किसी जमील को दे दिया। सलीम मैनेजेस द थिएटर एंड बेयर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस, सलीम थिएटर को मैनेज कर रहा है, सारे खर्चे रिपेयरिंग वगैरह वही करता है। ही ऑल्सो इनकर सर्टन एक्सपेंसिस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड द बैंड, ही ऑल्सो कलेक्ट्स डोर मनी ऑफ विच ही रिटेन्स हाफ एंड हैंड्स ओवर द हाफ टू जमील। अच्छा, ये सलीम मुझे लग रहा है मिक्स हो गए हैं, सलीम मालिक है और जमील को दिया हुआ है। चले जो भी है, कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। एक बंदा थिएटर को मैनेज कर रहा है किसी दूसरे का, एक बंदा उसको मैनेज करके ड्रामा वगैरह चलाता है, बैंड वगैरह जो भी एक्टर्स होते हैं उनको पेमेंट करता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? डोर मनी क्या होती है? जो टिकट्स वगैरह इशू करने पे रेवेन्यू है। डोर मनी कौन सी होती है? आपको ना वो जैसे सिनेमा में डोर होता है, अंदर दाखिले के लिए आपको टिकट लेना पड़ती है, तो वो जो पैसे होते हैं उसे कहते हैं डोर मनी, ठीक है? ये एक जनरल टर्म है रेवेन्यू की, डोर मनी। जैसे समटाइम हमारी जो सैलरी होती है ना, सैलरी एक होती है बिफोर, अकाउंटेंट होता है ना वो बोलता है बिफोर टैक्स सैलरी, आफ्टर टैक्स सैलरी, लेकिन जनरली कुछ लोग एक टर्म बोलते हैं टेक होम सैलरी। टेक होम सैलरी का मतलब क्या होता है? आफ्टर जो आप घर लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह डोर मनी उसने जनरल वर्ड यूज कर लिया, हमें पता चल गया ये रेवेन्यू।
इसके अलावा और कोई और पॉइंट इसमें है जिसको हम डिस्कस कर सकते हो? इसके अलावा तो नहीं। हाँ, सलीम मैनेज कर रहा, दूसरा बंदा जमील मैनेज नहीं कर रहा, तो उसमें ये लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप में लाजमी नहीं कि सारे पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबल है कि कुछ लोग मैनेज कर रहे हो, कुछ लोग मैनेज ना कर रहे हो, लेकिन इस बेस पे हम कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन में रेलिवेंस नहीं है। हाँ, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू की बेस पे हम कंक्लूजन दे रहे हैं, उसको सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि उसने क्वेश्चन में पॉइंट डिस्कस किया, वरना हमारा डिसीजन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा डिसीजन डिपेंडेंट है डोर मनी के ऊपर। एच हुसैन, ए पब्लिशर एग्रीज टू पब्लिश एट हिज ओन एक्सपेंस ए बुक रिटन बाय बुरहान एंड टू पे बुरहान हाफ द नेट प्रॉफिट। ये नॉर्मली कुछ लोग जब बुक्स वगैरह या कोई भी इस तरह का बुक्स हैं, मूवीज हैं, सॉन्ग्स वगैरह ये पब्लिश करते हैं ना, मतलब जो गाते हैं सिंगर वगैरह या आर्टिस्ट हैं, कोई भी परफॉर्मेंस हो किसी की, उसको परफॉर्म करने वाला और है, लेकिन उसको आगे प्रमोट करने वाले और लोग होते हैं। जैसे मैं अगर टीचर हूँ, मैं किताब लिख तो सकता हूँ, लेकिन मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं बेच नहीं सकता। ठीक है, बेचने के लिए किसी दूसरे बंदे से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वो कहता है सर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमारी शॉप्स हैं, आप बेफिक्र हैं, आपकी बुक उधर अवेलेबल करवा देंगे और वो सेल हो जाएगी। अब बाद में मुझे बताइए जो भी रेवेन्यू, जो भी इनकम आएगी, उसमें सारा मेरा हिस्सा है या कुछ थोड़ा बहुत उसको भी देना? तो अक्सर प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि दोनों अरेंजमेंट इस तरह की रखते हैं कि जिसमें दोनों का फायदा हो, प्रॉफिट शेयरिंग कर दी जाती, लेकिन ये असल में रॉयल्टी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन पार्टनर नहीं है हम मिलके, जो सेल्समैन और ऑथर ऑफ द बुक है ये पार्टनर नहीं हो गए। ठीक है, ये सिर्फ रॉयल्टी को पे करने का एक तरीकाकार होता है। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है रॉयल्टी की, रॉयल्टी का मैकेनिज्म इस तरीके से चलता है। तो एस जो है ये पार्टनरशिप नहीं, हालांकि प्रॉफिट शेयर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रॉयल्टी की, इसको असल में एक्सेप्शन में होना चाहिए था, लेकिन उसने एक्सेप्शन में नहीं लिखा हुआ। हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा रॉयल्टी में प्रॉफिट शेयरिंग होती है और ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है उन केसेस के। आई रहीम, ए क्लर्क इन करीम्स बिजनेस, क्या हुआ? रहीम ए क्लर्क इन करीम्स बिजनेस एंटर्ड इनटू ए वर्बल एग्रीमेंट विद करीम। वर्बल होने से क्या फर्क पड़ता है? विद करीम फॉर 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रादर देन ए फिक्स सैलरी। तो यहां तक मुझे बताइए पार्टनर बन गया कि नहीं? यहां तक भी पार्टनर नहीं बना, नहीं। एक क्लर्क का लफ्ज हमें बता रहा है वो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई। इट वाज फर्दर एग्री, तो हम कहेंगे अगर एम्प्लॉई है उसको प्रॉफिट का शेयर देते हैं, वो पार्टनर नहीं बनता, एक्सेप्शन है। इट वाज फर्दर एग्री डेट बिल्डिंग इन विच द बिजनेस वाज कैरिड ऑन शुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ क्रीम, बिल्डिंग क्रीम की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, एंड ऑल वर्क एंड डिसीजन विल बी सोली डिसाइडेड बाय क्रीम। अच्छा, इससे भी हमें समझ लग गई कि जब सारे डिसीजन वही करेगा, लेकिन असल में जो इसमें सबसे अहम लफ्ज था इस क्वेश्चन में वो क्लर्क का था, जिससे हमें पता चला वो एम्प्लॉई है। जी, अहमद एंड बाकिर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्री टू कैरी ऑन प्रैक्टिस इन कॉमन एट द ऑफिस ऑफ अहमद अंडर द नेम अहमद एंड बाकिर फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। हाँ, ये दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एग्री किया कि प्रैक्टिस करेंगे अंडर द नेम अहमद एंड बाकिर, अहमद, तो इससे पता चला कि ये फर्म है, प्रोबेबली यहां तक इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि पार्टनर। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन देम प्रोवाइडेड दैट बाकिर शुड मैनेज द ऑफिस एंड सुपरवाइज द क्लरिकल वर्क एंड दैट ही शुड ड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीस 20,000 पर मंथ इन एडिशन टू प्रॉफिट्स। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे का सारा बिजनेस एक ही पार्टनर मैनेज करे? बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सैलरी भी ले, प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी ले? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पार्टनर आपस में एग्री कर लें कि यार ये एक पार्टनर ज्यादा काम करता है दूसरों की निस्बत, तो प्रॉफिट तो सबको मिलना है, इसको प्रॉफिट से ज्यादा इसकी एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से कोई सैलरी भी दे देनी चाहिए, तो बिल्कुल दे देनी चाहिए। इट इज फर्दर एग्री डेट लॉसेज इफ एनी शैल बी बोर्न बाय अहमद अलोन। नहीं, अब तो पार्टनर्स नहीं रहे ना, पार्टनर्स तो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं, लॉस जरूरी नहीं, तो ये हम इग्नोर कर देना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। एंड डेट आफ्टर 7 years अहमद वुड बी एंटाइटल्ड टू द ऑफिस एंड ऑल अदर इक्विपमेंट एंड बाकिर वुड नॉट हैव एनी राइट आर क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। कर सकते हैं कि भाई पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करने के बाद पार्टनर कुछ भी टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट की डिसाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप की। ये भी कह सकते हैं कि एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा दूसरा नहीं करेगा, एक सैलरी लेगा दूसरा नहीं लेगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, एक बंदा फर्म से जरूरत के बाद लोन ले सकता है दूसरा बंदा लोन नहीं ले सकता। जब फर्म खत्म होगी तो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी यह भी लिखा जा सकता है। अगर पार्टनरशिप में यह लिखा जाए कि 4 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्या यह वैलिड पार्टनरशिप है? बिल्कुल पार्टनरशिप, याद रखे, एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा सकती है। क्या कहा? पार्टनरशिप, तो अगर आप एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि यह पार्टनरशिप इस पर्टिकुलर 3 साल के लिए है, जैसे इसमें लिख दिया 7 years के लिए,
वो वैलिड पार्टनर, हाँ 7 साल के बाद ऑटोमेटिकली खत्म, 7 साल के बाद खत्म, इसका जो एक्सपायरी डेट आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप की। तो एग्री करते हैं ये पार्टनरशिप है। के जाजिब एंड गालिब जॉइंटली परचेज्ड ए टी शॉप एंड इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग पॉटरी एंड सम अदर मटेरियल्स टू फर्निश द शॉप। यहां तक बताइए पार्टनर बन रहे हैं कि नहीं? तो जॉइंटली परचेज, ये तो को ओनर बन रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में अभी कुछ बात नहीं हुई, अभी नहीं डिसीजन कर। द मनी वाज कंट्रीब्यूटेड हाफ एंड हाफ, आधे आधे पैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। एंड देन द रेंटेड आउट द शॉप, रेंट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम। क्यों नहीं? रेंट शेयर हो रहा है, प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा। मेरा चौथी दफा फोर्थ एग्जाम्पल आ गया ऐसे रेंट शेयरिंग वाली। ए कस्टमर हु ओपन्स प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट विद द बैंक, वो पार्टनर बन जाता है क्या? अवल तो बैंक का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट होता ही नहीं है, वो नाम का होता है, असल में तो इंटरेस्ट सूद ही मिल रहा होता है। लेकिन अगर उसमें फर्ज कीजिए होता है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, तो वो कस्टमर है। ये भी शायद एक्सेप्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं। जी हाँ जी बिल्कुल, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए पहले आप बेहतर है लीगल प्रोविजन लिख लें और फिर उसके बाद डिसीजन और बेसिक डिसीजन दें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सोल्यूशन में लिखा हुआ है। जो सोल्यूशन आपको एंड में दिए गए ना, प्रेजेंट किए गए हैं, वो किस लिए दिए? इसीलिए ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, आपने कैसे प्रेजेंट करना। हाँ ज्यादातर में एबीसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। असल में ना मैं जब सॉल्यूशन बना रहा होता ना, मैं अगर हर क्वेश्चन को एग्जाम स्टाइल में कन्वर्ट कर दूं ना, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी आंसर हो जाता है। काम की बात उसमें एक दो लाइनों की होती है। तो फिर नॉर्मली मैंने क्या किया, नॉर्मली जो पास पेपर के आईकैप के क्वेश्चन है ना, उनको तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ किया है, ऊंच नीच सारी एडजस्ट करके कांड करके। लेकिन इस तरह होते हैं ना, एक क्वेश्चन के अंदर 10-10, 12-12 उसने पार्ट्स बनाए होते हैं, उसको मैं मेन कंसेप्ट को डिस्कस करके आगे चला जाता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, आपको इस काबिल होना है एग्जाम में, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए ज्यादा मार्क, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये आ जाए 3-4-5 नंबर के साथ, तो आपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन वो मैंने क्यों नहीं किया, एक तो टाइम की कमी की वजह से, और दूसरा इसमें अगर हर एक को इस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दे, तो वो मेन कंसेप्ट तो एक लाइन का ही है, वो बुक बहुत ज्यादा फैल जाती है। एक दो मार्क्स के साथ जरूरी नहीं है, एक दो मार्क्स के साथ जरूरी नहीं है, कि मैंने पहले आपको अप्रोच में बता दिया था। क्लियर? क्वेश्चन 9, ये आईकैप का आ गया क्वेश्चन। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिक्वायरमेंट पढ़ते पहले, डिस्कस वेदर अदीव्स विडो वुड बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। अभी बता देते हैं नहीं, लेकिन ठहर जाए, शायद उसने क्वेश्चन में ये ना कह दिया हो कि विडो के साथ बाद में एग्रीमेंट कर ले, तो बाहिर यही लग रहा है कि विडो पार्टनर नहीं है अभी, लेकिन पढ़ के देख लेते हैं। कह रहे मोइज अदीब एंड मुमताज वर पार्टनर्स इन द फर्म, अदीब डाइड, मोइज एंड मुमताज कंटिन्यूड द बिजनेस एंड एग्रीड टू गिव 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस टू द विडो ऑफ अदीब एज एनुइटी। अब जाहिर है उन्होंने अदीब का पैसे वापस नहीं किए उसके, लेकिन जो उसको शेयर जाता था उसकी विडो को जाता रहेगा। विडो जो है क्या, वो पढ़ा था हमने, इनहेरिटेंस या स्टेटस से कोई पार्टनर नहीं बनता, तो ये इनहेरिटेंस है, इससे विडो पार्टनर, एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था विडो आर चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। एक्स हैज बीन कैरिंग ऑन, क्या गलती की मैंने अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहले केस स्टडी में, खास तौर पे केस स्टडी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ने था कि मैं पता चल जाए पूछ क्या रहा है, उस लिहाज से क्वेश्चन का एनालिसिस करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइस वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। पता चल गया पार्टनरशिप में से क्वेश्चन पूछा और पूछा पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना हमारे पास रूल क्या सेंशन, और सेंशन में भी सबसे अहम प्रॉफिट वाला। आप देखिए ज्यादातर डिसीजन जो है वो प्रॉफिट के बेस पे हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक्स हैज बीन कैरिंग ऑन टेक्सटाइल बिजनेस फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। He has recently met Y, who is an expert in textile designing. X and Y have agreed that Y would advise X on various technical issues and use his contacts for the benefit of the business. X और Y ने कहा दोनों मिलकर business करेंगे और business knowledge use किया जाएगा Y का। Y would be entitled to 35% of the profits of the business. Profit में से हिस्सा मिल रहा है, बजाहिर लग रहा है partner है यहां तक information पे। However, why will not be required to bring any capital? अच्छा तो हम ये डिसीजन दे देंगे कि ये पार्टनर है, क्या इसको इग्नोर कर देना, एक इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि देखे वो कह रहा है कि वाई कैपिटल नहीं लेके आएगा, वाई को प्रॉफिट का 35% शेयर मिल रहा है, इससे मुझे लगा कि वो पार्टनर है, ठीक है। तो मैं डिसीजन में ये लिख दिया कि पार्टनर है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। उसने आगे कहा वाई कोई कैपिटल नहीं लेके आएगा, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा,
क्योंकि पार्टनर के लिए कैपिटल लाना जरूरी नहीं है। मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, कर दूं, इग्नोर ना, क्यों इग्नोर ना करूं? बताना जरूरी है कि हमने इग्नोर किया है, बताना जरूरी है कि हमने इग्नोर किया। मैं सोच रहा हूँ फिल्टर करना, एग्जांपल दोगे ना, दो चले हैं, बात करना उल्टी सीधी एग्जांपल्स होती हैं लेकिन उनका फायदा होता है, याद रह जाता है कंसेप्ट। अच्छा, फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए सिर्फ के ब्लॉक भी करना चाहिए? ब्लॉक भी करना चाहिए सिर्फ रिजेक्ट करना, सिर्फ उसको उसको एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट ना करें, इसका मतलब पता नहीं वो अगला बंदा समझेगा पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन ब्लॉक कर देंगे तो पता चल जाएगा भाई, करने उसको टाइम नहीं पता चल जाए, कोई और ट्राई कर ले जो उसने करने, मतलब बेचारे का टाइम जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इग्नोर नहीं करनी, उसे बताना है कि इग्नोर किया, उसे बताना इग्नोर किया। आगे चलते हैं, 11 आखिरी क्वेश्चन हमारा प्रोबेबली आज का, इसमें मुनाफा क्यों नहीं मुनाफा, पहले रिक्वायरमेंट, एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर ए पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड बिटवीन मुनाफा एंड लारी अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताना, यही बताना कि दोनों में पार्टनरशिप है कि नहीं है। मुनाफे सोल प्रोवाइडर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर्स एग्री टू एडमिट लॉरी इन हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसने कहा लॉरी को बिजनेस में ऐड कर लो, फॉलोइंग टर्म्स है, लेकिन आपको ऐड एज पार्टनर भी हो सकता है, एज एम्प्लॉय भी हो सकता है, एज एजेंट भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो किस स्टेटस के तौर पर ऐड कर रहा है, और स्टेटस ही हमने कंफर्म करना है। डेड लॉरी शैल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल, तो डिसकन्फर्म हो गया कि पार्टनर नहीं है, इस लाइन से कंफर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पार्टनर हो सकता है कैपिटल लाए, हो सकता है ना लाए, पार्टनर्स के लिए कैपिटल लाना जरूरी आगे, एंड शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द फर्म, कंफर्म हो गया, लॉसेस शेयर करना भी जरूरी नहीं है, कैपिटल लाना भी जरूरी नहीं है। आगे, हाउएवर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रुपीज 150,000 ऑन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एनी न्यू क्लाइंट टू द बिजनेस। कंफर्म हो गया ना भाई, उसको सैलरी मिल रही है, उसको कमीशन मिल रहा है, तो वो तो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, नहीं सैलरी और कमीशन एम्प्लॉइज को दिया जाता है ना, पार्टनर्स को भी दिया जा सकता है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हो, एक तय पाया हो, पार्टनर्स को भी सैलरी भी दी जा सकती है, कमीशन भी दिया जा सकता है, इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, अगर पार्टनरशिप में लिखा हो, एग्री हुआ हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, सैलरी भी दी जा सकती है, कमीशन भी दिया जा सकता है, ठीक है, अभी भी हम कंफर्म नहीं है, आगे चले, तो अभी भी पार्टनर बन सकता है। अच्छा, आज के बाद दूसरा, एंड शेयर 40% ऑफ द प्रॉफिट्स, जो पार्टनर है अभी भी नहीं, क्यों? एक मिनट शाबाश, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग कंफर्म नहीं है। हाँ, इसकी अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, वैसे 40% ऑफ प्रॉफिट से हमें कंफर्म हो गया कि ये तकरीबन कि ये पार्टनर है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सर ये इंप्लाई भी तो हो सकता है, अभी भी ठीक है, पार्टनर का होने का चांस बढ़ गया उसका, क्योंकि प्रॉफिट, लेकिन इंप्लाई होने की ऑप्शन को भी रूल आउट नहीं कर सकते, इंप्लाई होने की आप शाबाश, अच्छा पॉइंट, अप्लाई होने की रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे अगर क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाए ना, तो मैं प्रोबेबली एग्जाम में, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं प्रोबेबली अगर बैलेंस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे डिसीजन करना, तो मैं पार्टनरशिप वाली साइड पे जाऊंगा, मैं कहूंगा 40% ऑफ प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो पार्टनर है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि पार्टनर ये चीजें वसूल कर रहा हो, इसके बावजूद भी पार्टनर, लेकिन शायद उसके जहन में भी ये बात आई, इसलिए उसने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, एंड हैव द राइट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए पार्टनर इन द फर्म। इस स्टेटमेंट ने हमारा क्वेश्चन सबसे आसान कर दिया, सबसे अहम इंफॉर्मेशन सबसे एंड पे उसने दिया, ताकि पहले हमें घुमाए, पहले में इस सिर्फ इस अल्फाज से ही कंफर्म हो जाता है कि ये पार्टनर है, तो सिर्फ ये लिख दे पार्टनर है, कि बाकी चीजों का भी वन बाय वन डिस्कस करना है, इग्नोर तो नहीं करना ना, बिल्कुल हाँ जी, और ये जेहन में रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेंशन करना होता है सॉल्यूशन में, ये आपके आगे तकरीबन हर सब्जेक्ट में काम आएगा, खासतौर पर केस स्टडीज में। एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइस वेदर ए पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड बिटवीन नाफा एंड लॉरी। यस, बिकॉज क्यों? बिकॉज दो आर्गुमेंट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग और पावर ऑफ ए बिजनेस, और फिर उसके बाद उसे बता देंगे नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ए पार्टनर, नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ए पार्टनर, नॉट नेसेसरी टू बी लायबल फॉर लॉस, ए पार्टनर कैन रिसीव सैलरी और कमीशन वगैरह, ये पॉइंट्स भी सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। जुम्मा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी कितने, एक मिनट आ रहे भाई, एक मिनट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, जी जी पूछ,
रॉयल्टी वाला एक्सप्लेन गूगल बाबा, गूगल बाबा से पूछे रॉयल्टी बता देगा विद एग्जांपल्स बताएगा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।